जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। फोटो केमिस्ट्री में आज का जो लेक्चर है वो किसके बारे में है? स्टिल बिन के बारे में है। यानी हम अब फोटो केमिस्ट्री पढ़ेंगे डबल बॉन्ड्स की, यानी एल्कीन की जो हम फोटो केमिस्ट्री देखेंगे। और इसमें भी आज हम स्पेसिफिक टॉपिक क्या ले रहे हैं? सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो हेडिंग क्या रहेगी हमारी? फोटो केमिस्ट्री ऑफ ऑलिफिन, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, और एग्जाम्पल क्या रहेगा? स्टिल बिन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हम आज जो है स्टिल बिन का क्या करेंगे? ऑपरेशन करने वाले हैं। अब आपके माइंड में आ रहा हो कि ये स्टिल बिन क्या है? ये तेरे बिन वाला वो नहीं है, तेरे बिन अलग नहीं है, स्टिल बिन अलग है। और उसकी शक्ल देख लीजिए आप, ये रहा। ठीक है, ये जब भी आपके सामने आएगा तो इसकी शक्ल याद कर लीजिए कि ये हमारा क्या है? स्टिल बिन है। गॉट इट? ओके। स्टिल बिन को जब हम क्या देंगे? सनलाइट। अब ऐसी बात है, फोटो केमिस्ट्री देख रहे हैं तो हमें क्या देखना है? सनलाइट ही देनी। और डबल बॉन्ड है तो कौन से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा? पाई टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ओके, और क्या बनेगा? आइसोमर्स बनेंगे, सिस एज वेल एज ट्रांस। दोनों को मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ और आप देख के समझ गए होंगे कि कौन सा सिस है और कौन सा ट्रांस है। अगर सेम ग्रुप सेम साइड रहते हैं, जैसे मैंने बनाया है ये, तो सेम ग्रुप सेम साइड, तो मैं इसे क्या बोल दूंगा? सिस आइसोमर। और ये हमारा कौन सा हो जाएगा? ट्रांस आइसोमर। आप बताइए सिस और ट्रांस में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल होता है? ऑब्वियस सी बात है कि ट्रांस जो है वो ज़्यादा स्टेबल हो रहा है इस कंडीशन में, क्योंकि बल्कि जो ग्रुप है बेंजीन ग्रुप है, पीएच ग्रुप, वो अपोजिट साइड में है, दूर है, तो रिपल्शन कम करेंगे, रिपल्शन कम होगा तो स्टेबल अपने आप ज़्यादा हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या? स्टेबल, स्टेबल। बट अगर बात करें कि इनका परसेंटेज कितना बनता है, तो परसेंटेज देख के आप थोड़ा सा चौंक जाएंगे। ये बनता है 93% और ये बनता है 7%। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि स्टेबल मैंने यहां लिखा है और इसे ही मैं कम बना रहा हूं, तो यही तो प्रॉब्लम है हमारी। हम इसका ही सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, यानी हम क्या देखना चाह रहे हैं? हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो स्टेबल है फिर भी कम बन रहा है, और ये कम स्टेबल है फिर भी ज़्यादा बन रहा है, ऐसा क्यों? तो इनका ऑपरेशन करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ले लेते हैं सिस को। इसको कॉर्नर में ले लीजिए भैया, इधर आइए, ये आ गया। ठीक है, ये लीजिए, सिस आइसोमर हो गया हमारा। ये इस सिस आइसोमर को मैं वापस क्या करूँगा? सनलाइट प्रोवाइड करूँगा। एच न्यू जहाँ पे भी एरो पे लिखा हुआ है, इसका मतलब हमने इसको क्या दे दिया है? सनलाइट। सनलाइट दे दिया। अब ये अपने किस में, किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा? रेडिकल फॉर्म में। कैसे? ऐसे पीएच एच सी सी, ये बन गया इनके रेडिकल, इन ऑर्बिटल्स में आ जाएंगे। ये रहा पीएच और ये एच। ठीक है, इसको हम किससे करते हैं? ग्रीन कलर से मेंशन कर देते हैं। ये लीजिए, ग्रीन कलर दिख रहा है, ये इनके रेडिकल हो गए इलेक्ट्रॉन। क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए, ये जो था, ये जो बॉन्ड था उसमें ये दो इलेक्ट्रॉन थे। अब जब बॉन्ड ही नहीं रहा तो दोनों इलेक्ट्रॉन अपने अपने कार्बन पे रहेंगे, वो मैंने मेंशन कर दिए। ये अब आगे होगा क्या? रोटेशन होगा। और रोटेशन भी कैसे होगा? 90 डिग्री से होगा भैया। कैसे होगा? 90 डिग्री से रोटेशन होगा और कुछ ऐसा बनेगा। ये चीज जो है, ये जो स्ट्रक्चर अब मैं बना रहा हूँ वो थोड़ा सा समझने वाला है। ठीक है, ये हो गया हमारा पीएच और ये हो गया हमारा एच और ये हमारे रेडिकल आ जाएंगे। ठीक है, रेडिकल को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया है? ग्रीन से, तो ग्रीन से ही रहने दीजिए। ये लीजिए, ये जो स्ट्रक्चर बन के आपके सामने बना है, इसे बोलते हैं फैंटम ट्रिपलेट स्टेट। क्या बोलते हैं? फैंटम ट्रिपलेट स्टेट, फैंटम ट्रिपलेट स्टेट। ठीक है, बन गया। क्या किया है? सिस आइसोफॉर्म आइसोमर लिया, सनलाइट डाली, रेडिकल बना, इसमें रोटेशन हुआ और ये बन गया। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये जो 90 डिग्री से आपने एंगल घुमाया है, ये क्या घुमाया है, इसको समझो। ये पीएच जो है अभी ऐसा है एज इट इज, जैसे दिख रहा है, ये जो रेड कैप दिख रहा है स्पैन का, वैसे ही पीएच अभी। बट जैसे ही 90 डिग्री में रोटेशन होगा ना ये, तो कैसे हो जाएगा? ये आपकी तरफ आ जाएगा ऐसे। अब एक बात बताओ, अगर कोई
यहाँ से यहाँ तक रोटेशन कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक, तो कितने डिग्री का एंगल बन गया, 90 डिग्री का बन गया, ऑब्वियस सी बात है। तो ये तो फैंटम ट्रिपलेट स्टेट आप देखेंगे, सर्च करेंगे या बुक्स में देखेंगे तो क्या बोलेंगे, क्या देखेंगे कि डबल बॉन्ड जो है 90 डिग्री से रोटेशन कर लेता है, ठीक है। तो ये रहा फैंटम ट्रिपलेट स्टेट। तो ये जो पीएच ऐसे था, अब ऐसा कहाँ है, कैसा है, ऐसा, गॉट इट। और जो एच यू था, अब वो पीछे की तरफ, मान लीजिए बोर्ड है मेरी फिंगरप्रिंट और ये जो रेड कैप है वो पीछे की तरफ है ऐसे, तो इसको मैंने डैश करके रिप्रेजेंट कर रखा है। चलें आगे, चलिए ये तो बात हो गई सिस की, अब ट्रांस की बात कर लेते हैं, वो नाराज हो जाएगा, वरना दो बच्चे हैं और एक की बात कर लें एक की नहीं करें तो पता है ना क्या हो जाता है, मुँह फुला लेते हैं वो। सनलाइट डाला, फोटो केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, क्या क्या है ट्रांस आइसोमर, ट्रांस पीएच अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए मैंने पीएच इनको क्या बोल दिया, ट्रांस। ये लीजिए हो गया। अब हम इसके अंदर वही जे रेडिकल जे बी रेडिकल, कोई दिक्कत, यहां से इस फॉर्म में आ गए। अब क्या होगा कि भैया अब यहां से हम आगे चलेंगे और आगे चलेंगे तो क्या हो जाएगा, रोटेशन 90 डिग्री से, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फैंटम ट्रिपलेट स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ट्रांस भी फैंटम ट्रिपलेट स्टेट में जा रहा है, सिस भी फैंटम ट्रिपलेट स्टेट में जा रहा है, चला गया, चला गया। अब आपके माइंड में आ रहा होगा, ठीक है सिस और ट्रांस दोनों फैंटम ट्रिपलेट स्टेट में चले गए, कैसा होता है, हमें ये भी समझ में आ गया, बट इससे ये तो सॉल्यूशन नहीं निकला ना कि ट्रांस कम क्यों बन रहा है और सिस ज़्यादा क्यों बन रहा है। अब इसी बात है, इसका तो सॉल्यूशन अभी आया नहीं। तो देखिए इसको समझने की कोशिश करते हैं हम एनर्जी डायग्राम से, ठीक है, एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं। एक तरफ हम मेंशन कर लेते हैं सिस वाले को, एक तरफ हम मेंशन कर लेते हैं किसको, ट्रांस वाले को, ओके। तो इधर जो मैं बना रहा हूँ ये S1 स्टेट है और ये भी S1 स्टेट है, ये सिस की हो गई, ये ट्रांस की हो गई, और यहाँ पर ये आ गया हमारा S0 किसका, सिस का, और ये आ गया हमारा S0 किसका, ट्रांस का, और इनकी जो ट्रिपलेट स्टेट है वो ये रही, ये है फैंटम ट्रिपलेट स्टेट, दिख रही है, गिरे, गॉट इट। अब मेरे को एक बात बताइए, अगर मैं इस ग्राउंड स्टेट से यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन ले जाता हूं और यहां से यहां तक ले जाता हूं तो किसमें ज्यादा जोर आएगा, किसमें ज्यादा टाइम लगेगा, आप ये बताइए। यहां से ग्रीन पेन से मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं कि भैया यहां से यहां तक जाने में और यहाँ से यहाँ तक जाने में बताइए किस में ज़्यादा टाइम लगेगा। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी बता देगा, एक सेकेंड क्लास का स्टूडेंट भी बता देगा कि लाइन छोटी है इसमें कम टाइम लगेगा, ये लाइन बड़ी है इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि सिस वाला जल्दी बन रहा है फैंटम, तो वो प्रोडक्ट भी जल्दी बनाएगा, जबकि ट्रांस वाला ज़्यादा टाइम ले रहा है इसलिए प्रोडक्ट भी धीरे बनाएगा, यानी सिस वाला ज़्यादा बनेगा और ट्रांस वाला कम बनेगा। अब इसमें एनर्जी गेप कितना है वो भी लिख लीजिए, 57 किलो कैलोरी पर मोल, और यहाँ पर 50 कैलोरी किलो कैलोरी पर मोल लग रहा है। अब आपको खुद को ही पता चल रहा होगा कि 50 जो है वो तो कम है और 57 ज़्यादा है, यानी यहाँ से यहाँ जाने में कम टाइम लगेगा, यहाँ से यहाँ जाने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो सिस वाला आइसोमर ज़्यादा बनेगा और ट्रांस वाला आइसोमर कम बनेगा। हो गया क्या काम, तो हमारा काम हो गया है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अभी हमने जो समझा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से, उसको मैंने यहाँ पे वर्ड्स में कन्वर्ट कर दिया है ताकि आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाएं। एक बार देख लेते हैं फास्टली क्या लिखा है। स्टील बिन सिस और ट्रांस दोनों फॉर्म्स सेम ट्रिपलेट स्टेट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कॉल्ड फैंटम ट्रिपलेट स्टेट। ये मैंने आपको बताया कि सिस फॉर्म हो चाहे ट्रांस हो, दोनों किसमें कन्वर्ट हो रहा था, फैंटम स्टेट में, वो यहाँ पे लिख दिया। अब इसी को कई टर्म्स और यूज़ में ले सकते हैं फैंटम ट्रिपलेट स्टेट के लिए, क्या ट्विस्टेड
ट्रिपलेट स्टेट भी ले सकते हैं या नॉन प्लेनर ट्रिपलेट स्टेट भी आप यूज़ में ले सकते हैं। गॉट इट? तो ये हमने देख लिया है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नाउ दिस ट्रिपलेट स्टेट इज कन्वर्टेड इनटू ग्राउंड स्टेट। ये किस में कन्वर्ट होगा? ग्राउंड स्टेट में। एंड द रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ सिस स्टिल्बिन इज फास्टर देन ट्रांस। ठीक है, कि जब मैंने आपको डायग्राम बताया था कि भाई ट्रिपलेट रेड कलर से मैंने मेंशन किया था ट्रिपलेट को, और नीचे यहाँ पे था हमारा ग्राउंड स्टेट किसका? एस नोट सिस का, और इस तरफ किसका था? ट्रांस का, और ये रहा एस नोट ट्रांस, यही था। यहाँ से यहाँ तक आने में और यहाँ से यहाँ तक आने में किस में ज़्यादा टाइम लगेगा? ऑब्वियस सी बात है, ट्रांस वाले में लगेगा। डिस्टेंस देखो आप, यही बोल रहा है क्या? नाउ दिस ट्रिपलेट स्टेट इज कन्वर्टेड इनटू ग्राउंड स्टेट। जब ये ग्राउंड स्टेट में आएगा, द रेट ऑफ द कन्वर्जन ऑफ सिस स्टिल्बिन इज फास्टर। तो सिस में जब आएगा तो ये फास्ट होगा देन ट्रांस, बिकॉज द एनर्जी गैप बिटवीन फैंटम ट्रिपलेट स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट इज लोअर इन सिस। सिस में कितना है? 51 किलो कैलोरी है, और ट्रांस में कितना था? 57 किलो कैलोरी था। मैंने आपको बताया है, ये बात समझ में आ गई? तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे वर्ड्स में लिखी है। चलिए अब चलते हैं एक क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है कि हमारा जो स्टील बिन है, हमारा एग्जाम्पल ये, इसको मैंने क्या दिया? सनलाइट दिया, इसने ए बनाया, ए को फिर सनलाइट दिया, इसने बी बनाया, बी की रिएक्शन इससे करा, इसने सी बनाया, सी जो है इससे रिएक्शन करके डी बना रहा है। कंप्लीट कीजिए रिएक्शन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब मैं इसको सनलाइट दूंगा स्टील बिन को अभी, तो क्या बन जाएगा? कुछ ऐसा बनेगा, देखिए, डबल बॉन्ड सी एच, ये लीजिए बन गई क्या बेंजीन। तो मैंने क्या बना दिया यहाँ पे? सिस फॉर्म बनाया क्या? तो ये हमारा क्या बन गया? सिस फॉर्म, दिस इज ए, कंप्लीट। अभी थोड़ी देर पहले भी देखा था हमने, कोई बड़ी बात नहीं है। स्टिल बिन जब ऐसा दिया हुआ हो और उसको आपने सनलाइट दे दिया, तो सिस फॉर्म बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि 93% केसेस में सिस बन रहा था भाई, अभी हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किया इधर। चलिए हो गया ये हमारा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है कि अब इसको वापस हमने सनलाइट दे दिया है, देखो ए को सनलाइट दिया, बी बन गया। तो जैसे मैं इसे सनलाइट दूंगा, सनलाइट, तो देखिए ये जो सिस्टम है हमारा, उसमें देखिए पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। मैं एक बार डार्क कर देता हूं इनको, इलेक्ट्रॉन्स को, ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन डार्क दिख रहे हैं क्या आपको? दिख रहे होंगे होपफुली। काउंट कीजिए इन इलेक्ट्रॉन्स को जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए, कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब 4n प्लस 2 सिस्टम हो गया है। क्या हो गया? 4n प्लस 2 सिस्टम। और मैंने आपको एक टेबल बनवाया था ऐसा, पेरीसाइक्लिक, अगर आपको याद आ रही है, पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस, ठीक है। तो क्या था यहाँ पे? 4n, और यहाँ पे था 4n प्लस 2। अगर मैं थर्मल कंडीशन या फोटोकेमिकल कंडीशन, 4n में थर्मल कंडीशन में होता है कौन? रोटेटरी। 4n में फोटोकेमिकल कंडीशन में होता है डिसरोटेटरी, याद है? 4n प्लस 2 सिस्टम में फोटोकेमिकल, सॉरी थर्मल कंडीशन में क्या होगा? डिसरोटेटरी। और 4n प्लस 2 एच न्यू फोटोकेमिकल कंडीशन में क्या होगा? कौन रोटेटरी। अब सुनो हमारा सिस्टम कैसा है, 4n प्लस 2, ठीक है, 4n प्लस 2 ये रहा सिस्टम। कंडीशन क्या लगेगी? एच न्यू फोटोकेमिकल, इसमें क्या होगा? कौन रोटेटरी। तो हम क्या कराएंगे? जो भी प्रोग्राम कराएंगे कौन रोटेटरी वैसे करवाएंगे। बात समझ में आ रही है? कैसे करवाएंगे? कौन रोटेटरी वैसे करवाएंगे। गॉट इट? चलो करते हैं क्या होता है। देखिए सबसे पहले तो हम एरो जो है वो बना लेते हैं, ताकि हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा जब मैं इसको एरो बनाऊंगा। देखिए अगर मैं बेंजीन को थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ यहाँ पे, तो हमारे लिए इजी हो जाएगी चीज़ें। थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं बेंजीन को, क्योंकि हमें क्या है कि चीज़ें आनी चाहिए, समझ में आना बहुत ज़रूरी है। कैसे देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा बना दिया हमने स्ट्रक्चर, ताकि हमें जो चेंजेस हो रहे हैं वो दिखें। ये लीजिए,
और जो इलेक्ट्रॉन्स मैंने मेंशन किए थे वो भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, क्या बड़ी प्रॉब्लम थोड़ी है, इट्स नॉट अ बिग डील, ओके गॉट इट। अब हम क्या करेंगे, एरो बनाएंगे। देखिए एरो कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। तो ये आफ्टर द रोटेशन, आफ्टर द रिएक्शन, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन है हमारी, कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। मैं वहाँ पे बना देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ, देखिए ये डबल बॉन्ड हमने छेड़े नहीं है तो इनको छेड़ना भी नहीं है, पाप लगेगा, इन दोनों को भी नहीं छेड़ना है, एज इट इज मेंटेन रखेंगे, मेंटेन रहा है हमने। अब देखिए ये जो डबल बॉन्ड था वो इन दोनों बेंजीन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, ये लीजिए बन गया क्या, ये डबल बॉन्ड जो था इधर आ गया, गॉट इट, ये रहा, और ये जो डबल बॉन्ड था वो इधर चला गया, किधर, ये रहा, ये तो इधर चला गया। और ये वाला जो डबल बॉन्ड दिख रहा है वो कैसा आ गया, देखिए एरो किधर जा रहा है, इस वाले पे, यानी ये इधर आके डबल बॉन्ड बन गया, ऐसा ये बन गया हमारा क्या, बी। बट अभी हमने इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं लगाई है, कैसे नहीं लगाई है देखते हैं, सुनो। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, रिंग फॉर्मेशन कर रहे हैं, एक नई रिंग बना रहे हैं इधर, एक नई रिंग बना रहे हैं, ओके। इस नई रिंग को बनाने के लिए हमने क्या किया है, सुनिए, रिंग फॉर्मेशन हुआ है और कौन रोटेटरी वैसे हुआ है, कौन रोटेटरी वे के अंदर देखो हो रहा क्या है कि ये एक लोबेरी, एक लोबेरी, इस पर हाइड्रोजन ऊपर की तरफ है, इस पर भी हाइड्रोजन मैंने ऊपर की तरफ लिया है, ठीक है। अब मैं बॉन्ड क्या कर रहा हूँ, जैसे ये बाहर की तरफ है दोनों, अब मैं कौन रोटेटरी वैसे बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा हूँ, तो देखिए कौन रोटेटरी का मतलब क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, या दोनों एंटी, ये क्लॉकवाइज हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, जैसे भी आप देखना चाह रहे हैं। तो दोनों सेम डायरेक्शन में जब मूव कर रहे हैं दोनों लॉब्स, बॉन्ड बन गया एक। लेकिन हाइड्रोजन की कंडीशन देखिए, एक हाइड्रोजन का कैप नीचे की तरफ है और दूसरे का कैप ऊपर की तरफ है, क्या अभी क्या था, ये दोनों बाहर की तरफ थे, मान लीजिए ये सिस्टम के अंदर है और ये सिस्टम के बाहर है, तो हमने मान लिया दोनों हाइड्रोजन सिस्टम के बाहर है, दिख रहा है। तो मैंने क्या करा, कौन रोटेटरी वैसे, यानी ये जो लोब्स हैं, ये जो दोनों लोब्स हैं ये वाली, ये सेम डायरेक्शन में मूव करके बॉन्ड फॉर्मेशन बना रही है। जैसे ही फॉर्मेशन हो गया है तो हम देखेंगे इन कैप्स की डायरेक्शन, एक नीचे की तरफ है, एक ऊपर की तरफ है, तो ट्रांस आ गया। तो हम यहाँ पर जो हाइड्रोजन मेंशन करेंगे वो कैसे करेंगे, ऐसे ट्रांसफॉर्म। ये क्यों किया है मैंने अभी बता दिया, पैरासाइक्लिक का क्वेश्चन था ये। चलो आगे चलते, ये बन गया हमारा बी। बी बनने के बाद हमने इसमें क्या डाल दिया, आयोडीन और बेंजीन डाल दिया है, ये रहा। जैसे ही मैंने इसमें आयोडीन और बेंजीन डाला तो क्या होगा, ये यहां से क्या निकाल देगा, हाइड्रोजन रिडक्शन करवाएगा। कौन कौन से दोनों हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे, ये वाले, ये और ये, यहाँ से टाटा बाय बाय हो जाएंगे। ये बोलेंगे एक दूसरे को कि भैया यहाँ पे आपका कोई काम नहीं है, तो आप यहाँ से टाटा बाय बाय हो जाइए, ये रिमूव कर देंगे। और जैसे ही ये दोनों यहाँ से रिमूव होंगे तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड बनाते हैं ये। और हम किस पे चले जाएंगे फिर, सी पे। तो ये रहा हाइड्रोजन बैंड, ये डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे हमारा ये स्ट्रक्चर है, बनाते हैं, ले लीजिए, ले लीजिए। तो ये दोनों तो यहां से अटैच है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, और एक डबल बॉन्ड आ गया ये, जहाँ पे कोई चेंजेस नहीं किए हैं उसको एज इट इज बना दिया। बात समझ में आई कि इन दोनों स्ट्रक्चर्स में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है बताइए। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, दैट्स इट, दिस इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज टू, बी एंड सी। अब ध्यान से देखिए, आप क्या देखिए ध्यान से, कि जो नई रिंग बनी है उसमें कितने एटम्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन एटम है, और डबल बॉन्ड कितने, 1 डबल बॉन्ड 2 डबल बॉन्ड 3 डबल बॉन्ड, और तीनों के तीनों डबल बॉन्ड अल्टरनेटिव है। देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, एक नई बेंजीन क्रिएट हो गई, बात समझ में आ रही है। तो ये जो सिस्टम बना है इसको क्या बोलेंगे, एंथ्रासीन, फिनेंथ्रीन, सॉरी क्या बोलेंगे, फिनेंथ्रीन हमारे सामने बन चुकी है। अब इसको मैं क्या करूँगा, इसको रिएक्शन कराऊँगा इससे। तो कैसे रिएक्शन करेगा आप बताइए,
ध्यान से देखिए और बताने की कोशिश कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी बात नहीं है। तो देखो क्या है, ये भी एक बेंजीन है, ये भी एक बेंजीन है, ये भी बेंजीन है। तो हम मैं रिएक्शन कुछ इस तरह से कराऊंगा कि एक ही बेंजीन की एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो बीच वाले की। इसको कैसे बना सकता हूँ देखिए, कैसे ऐसे यही रिएक्शन करा लेंगे इसकी। देखिए इस सी को हटा देता हूँ एक बार मैं, और इस स्ट्रक्चर को इसके सामने बना रहा हूँ ऐसे, ये डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन, बन गया क्या? ध्यान से देखिए, ये स्ट्रक्चर को मैंने उल्टा करके ऐसे बना दिया है ताकि हम रिएक्शन कर सकें। देखिए रिएक्शन करेंगे तो कैसा होगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर, सॉरी, एक डबल बॉन्ड इधर, एक डबल बॉन्ड इधर, आ रहा है कि बात समझ में? क्या हो गया, 2+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन टाइप रिएक्शन हो गई है। ठीक है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई जल्दी से। अब करना कुछ ही नहीं है यहाँ पे, इन दोनों को यहाँ से क्या बना देना है, अटैच कर देना है। ठीक है, हम यहाँ पे अटैच करने की कोशिश करते हैं, बनाते हैं कि भैया क्या बनेगा। थोड़ा सा छोटा बना देता हूँ, ठीक है, क्या बात है कि क्वेश्चन कैसे हुआ है वो चीज़ समझ में आनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये अटैच था ऐसे, और ये जो है वो किससे अटैच हो गया, अब ये दोनों अटैच हो गए, तो ये हो गए, ये लीजिए, ये, तो ये हमारा क्या बन गया है, सी, और ये हमारा क्या बन गया है, डी। बात समझ में आया होगा, बहुत इजी है। ये लीजिए, ये बना लीजिए, अभी ये कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन, आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट बहुत इजीली। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये तो हमने जब भी आप बी से सी जाएं, ए से बी जाएं, तो ये कंडीशन यहाँ लिख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2+2 साइक्लोएडिशन, यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा क्या, 2+2 साइक्लो एडिशन, ये लीजिए। अब आपका कंप्लीट हो गया फिल इन द ब्लैंक्स वाला पोर्शन, अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और एक दो क्वेश्चन है जो हम अभी देखेंगे, कुछ क्वेश्चन हो रहे हैं उनको भी हम थोड़ा सा देखते हैं। अभी जो हमने क्वेश्चन देखा था सेम कुछ ऐसा ही है, ये रहा पिछले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, वो स्टील बिन था और वहां पर हाइड्रोजन की जगह हमने, यहां पर हाइड्रोजन की जगह मैंने एक ये इथाइल ग्रुप C2H5 ऐड कर दिया है, और बाकी की कंडीशन वही रखी है। ठीक है, अब इससे मैंने फोटोकेमिकल कंडीशन दिया, A बन गया, तो ध्यान रखेंगे क्या बनेगा, पहले बनेगा सिस फॉर्म, इसका क्या बना देंगे हम, सिस फॉर्म बना देंगे। ठीक है, बनाने की कोशिश करते हैं हम यहाँ पे, ये लीजिए बन गया क्या, ये लीजिए, बाकी थी दो बेंजीन है उसको मैंने बेहतरीन तरीके से बना दिया, ये लीजिए। ठीक है, और बॉन्ड्स कुछ ऐसे रखेंगे ताकि हमें रिएक्शन कराने में तकलीफ ना हो, ये लीजिए, ये बन गया हमारा ए, सिस फॉर्म बन गया, गॉट इट। चलिए, ट्रांस से मैंने सिर्फ क्या बनाया है, सिस बनाया और कुछ ही नहीं किया, ए। बी में क्या किया है, फिर सनलाइट दिए इसको, और फिर सनलाइट दे के हम क्या करने की कोशिश करेंगे, मैंने पहले बताया था आपको, इसमें हमने क्या कराया था, पिछली रिएक्शन में क्या कराया था याद हो तो आपको बताओ, ये कैसा कंडीशन, कैसा सिस्टम है, 4N+2 सिस्टम, कैसी कंडीशन है, फोटोकेमिकल, क्या होगा, कौन रोटेटरी वैसे, रिंग फॉर्मेशन। अब कैसे होगा वो भी देख लो, ला लो, यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉन मेंशन कर रहा हूँ, काउंट कर लेना कितने हैं, तो समझ में आ जाएगा मैंने 4N+2 सिस्टम क्यों लिखा है, गॉट इट। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें क्या करते हैं, बॉन्ड रोटेट करवाते हैं, रेड कलर से करवा देते हैं, तो अब थोड़ा सा सही रहेगा, ये लीजिए क्या बन जाएगा, मैं यहाँ बना देता हूँ, ये कार्बन, ये कार्बन, ये लीजिए, ये बेंजीन जो है वो अटैच है इससे, यहाँ पर ये बेंजीन जो थी पहले, अब बेंजीन नहीं रही है। ठीक है, ये डबल बॉन्ड,
ये डबल बॉन्ड और ये दोनों सिंगल बॉन्ड से अटैच हो गए हैं। जहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया उसको मैंने एज इट इज़ रखा है, ये आपके सामने स्ट्रक्चर बन गया है। बन गया क्या? देखिए ध्यान से, ये जो डबल बॉन्ड था वो इन दोनों के बीच में आ गया है, ये डबल बॉन्ड था वो बेंजीन और कार्बन के बीच में आ गया है, और ये डबल बॉन्ड इस वाले रिंग और कार्बन के बीच में आ गया है। और मैंने आपको बताया था कौन रोटेटरी वैसे रिंग फॉर्मेशन जब होगा तो कैसे होगा, थोड़ा सा देख लेते हैं। ये सिस्टम के बाहर है, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड है बाहर की, ये जो कैप है ये हाइड्रोजन है, ठीक है, ये सिस्टम के अंदर का भाग और ये सिस्टम के बाहर का भाग, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, कौन रोटेटरी वैसे रिंग फॉर्मेशन कर रहा हूँ, तो दोनों हाइड्रोजन कहाँ आ गए, अपोजिट साइड में। आपकी इच्छा है आप इधर भी रोटेट कर सकते हैं, दोनों लॉब्स जो है सेम डायरेक्शन में जानी चाहिए, ऐसे जाएँ चाहे ऐसे जाएँ, तो ऐसे करेंगे तब भी अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं हाइड्रोजन, ऐसे करेंगे तब भी अपोजिट डायरेक्शन में हाइड्रोजन आ रहे हैं। तो ये रहे आपके हाइड्रोजन, आ गए क्या, ये कौन सा पोर्शन हो गया हमारा बी। और जब मैं सी पोर्शन करवाऊंगा, जब इसमें आयोडीन डाल देंगे स्वाहा, बेंजीन डाल देंगे स्वाहा, तो क्या हो जाना है, रिडक्शन हो जाएगा और यहाँ से ये दोनों गायब हो जाएंगे। और जैसा हमने पिछली रिएक्शन में देखा था कुछ वैसा ही हमें मिल जाएगा। बनाते हैं एक बार कि भाई क्या मिल रहा है, देखे तो सही कि क्या मिल रहा है। बॉन्ड्स मैंने कोशिश की है, कोशिश नहीं वैसे ही बनाए, शब्दों का चयन सही होना चाहिए आपके। सिंगल बॉन्ड था तो अब क्या जाएगा, डबल बॉन्ड, क्योंकि हाइड्रोजन रिमूव हो गया, ये बी बन गया है और ये बनाया है मैंने इससे आई टू डाल के और बेंजीन, क्या निकल गया एच टू, कौन कौन से ये मैंने गोले में मेंशन कर दिया। पिछली रिएक्शन जो थी सेम वैसी है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही कहाँ है, गॉट इट, आगे क्या बात समझ में, चलें आगे। चलो तो ये तो हो गया एक हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है। ये एक कंडीशन ली, ये बन गया, ये बन गया, अब ये क्या है, एच न्यू डाल रहे हो, फोटो केमिस्ट्री भैया, एच न्यू तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो क्या होगा, फर्स्ट वाला जो बनेगा उसमें क्या करते हैं, इसके अंदर हम इस डबल बॉन्ड को तो एज इट इज रखते हैं स्टार्टिंग वाले को, ठीक है। अब इस वाले को जैसे मैंने फर्स्ट एच न्यू दिया इसको सनलाइट, तो ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड रोटेट हो जाएगा और कैसे हो जाएगा, कुछ ऐसे एम ई आ जाएगा नीचे, हाइड्रोजन चला जाएगा ऊपर, ले लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगा हुआ है। अब सुनिए ये दोनों हाइड्रोजन देखो कैसे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, या ये बॉन्ड और ये बॉन्ड बल्कि ग्रुप है, ई जेड सिस्टम आपने देखा है, तो कैसा हो जाएगा ये ई सिस्टम, या इसे मैं बोल देता हूँ क्या, ट्रांस। तो ये जो डबल बॉन्ड है वो तो ट्रांस हो गया, और ये डबल बॉन्ड कैसा हो गया, सेम ग्रुप सेम साइड, तो मैं इसे बोल दूंगा सिस, ठीक है। तो मेरे पास में जो ए आया है वो कैसा आया है, सिस ट्रांस, बात समझ में आ रही है क्या, ये डबल बॉन्ड तो सिस है, ये डबल बॉन्ड ट्रांस है, ठीक है। अब मैं वापस इसे क्या देता हूँ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मतलब मैं चैन से थोड़ी बैठूंगा मेरे पेट में दर्द है, मैं तो कुछ भी करूंगा। अब ये सिस था, इसको भी मैं ट्रांस में कन्वर्ट कर दूंगा, देखिए ये सिंगल बॉन्ड रोटेट होगा और ये भी कन्वर्ट हो जाएगा, कैसे, ऐसे एम ई एच डबल बॉन्ड एच 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 एम ई। ध्यान से देखिए इस डबल बॉन्ड में ये हाइड्रोजन अपोजिट डायरेक्शन में, तो ट्रांस हो गया क्या, और इस डबल बॉन्ड में ये एच अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये भी ट्रांस हो गया, हो गया क्या। तो ये हमने क्या कर लिया, क्या कर लिया ये ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, बहुत इजी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आप ध्यान रखें, जब मैं थोड़ा साइड में हूँ तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, आ रहा है क्या पूरा, ठीक है, ओके ओके। तो ये तो था हमारा क्या, स्टिल बिन सिस ट्रांस आइसोमरिज्म, यानी एल्कीन का फोटोकेमिस्ट्री का एक पोर्शन हमने देखा, और भी एक दो वीडियो आएंगे इसके बारे में। अब करना क्या है, सबसे पहले सब्सक्राइब करने का, ठीक है, लाइक करने का, और अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है वीडियो तो आपके जो साथ में फ्रेंड्स हैं आप उनसे भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए है, कोई भी सजेशन देना चाहते हैं या कोई प्रॉब्लम है तो अपना कमेंट वहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जय हिंद।